बोथ नीज स्लाइटली बेंड द गुड नीज रे मतलब था लेकिन बेंड लेकिन आप लोग कैसे करते हो जब आप खड़े होते हैं ना आप ऐसे करते आप यहाँ से देखो आप ऐसे करते नहीं आपने जैसे कोई सीट पे बैठने कुर्सी देखो ये बेंड हो गए ना बेंड तो आपको नजर आ रही है ना लेकिन ये बेंड ना हो इस बेंड में मैं आपको फर्क बताता हूँ ये जो आपका हील है और ये बेंड आप हिप पे लगाओ इसका ये क्या बन रहा है डी ये क्या बन रहा है तो जब ये डी बनता है ना ये देखो ऐसे इसकी वजह से ये डी बन गया तो इसकी वजह से मेरा जो कद है ये छोटा हो गया कि बढ़ गया छोटा हो गया और इसमें देखो इसमें जनरल जो है तो बेहतर ये है कि आप ऐसे बेंड करो कि ये जो हिस्सा है ये सीधा रहे और आपके जो हिप्स एरिया है हिप्स गोज बैक ये जैसे आप कुर्सी पर बैठते हो तो वही आप हिप पे लगाओ तो डी बन रहा है नहीं जब आपका डी नहीं बना तो इसका मतलब है कि यू आर परफेक्ट गुड आप अच्छा कर रहे हो ये ठीक है इसमें आपका खत भी नहीं छोटा होगा देखो और इसमें इसमें आपकी जो वॉक है ये करते हो इसमें आसान है वॉक आप वैसे भी जब आप घर में कोशिश करें जब आप ऐसे करते हैं या घोड़ी मत को पास ठीक है शुरू कर देंगे और ये कितना शुरू कर देंगे ठीक है आसान किया तो कहते हैं कि बोथ नीज राइटली बेंड हल्का हिप्स के जरिए एंड फ्लेक्स फ्लेक्सीबिलिटी में ये है कि आप देखो आप ये उठते फिरते आज बच्चे ऐसे करते हैं ये बिल्कुल सीधे पैर के साथ ऐसे सिंगल चेस्ट अरे फालिज नहीं वाले चेस्ट पे की गई नहीं ये जो बेंड होना पड़ता है ना ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इसमें एक पंपिंग होती है जब देखो जब आप बैटिंग करते हैं ना देखो ये तो आप फोर्स जनरेट कर रहे हो एनर्जी आपको कहाँ से जनरेट होती है ज़मीन से और वही एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के जरिए वो आप मसल के थ्रू फिर आप इसको यहाँ तक पहुँचाते हैं तो उसके लिए पंपिंग ज़रूरी है पंपिंग ज़रूरी है और फिर आपने खड़ा कैसे होना है कि ये आपका जो फ्रंट शोल्डर है एंड एल्बो इसको आप बॉल की लाइन में रखो ऐसे अक्सर बच्चे हम देखते हैं जब वो बैटिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं एल्बो कहाँ जा रही है देखो अब ये इस हाथ का इस्तेमाल ऐसे आसान है ये जो आपकी एल्बो जिस तरफ जा रही है ना अब ये उतना आसान है अब यहाँ पे अपनी आसान मुश्किल तो बैट को सीधा खेलने के लिए आप ऐसे देखो और इसी में वही आपने आर्क रखना है वही आपने आर्क रखना है ये वन स्टेप टू और यहाँ पे आप रखो जी फ्रंट शोल्डर डाउन देन बैक अब ये देखो यहाँ से कौन सा शोल्डर मेरा नीचे फ्रंट ये अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं ऐसे तो जब आप फ्रंट फुट पे जाते हैं ना तो आपका सर अब आपको ये नीचे वाला बल नजर आता है नेवर जब आप ऐसे करते हैं तो आपको सारा कुछ ये देखो क्योंकि बाल पिच ये है आपने यहाँ से खेलना है ये खेलना है आपको जब अगर आपको कौन सा भी होगा तो ये देखो आप छोड़ दो अक्सर बच्चे जो है वो उनके दिल में अंदर से एक डर किस्म की होती है डर वो कहते हैं तो आपको माने ना माने कि आपने 80% जो है उसके हवाले कर दिया बस उसको हो जाता है जब आपका ये सर देखो भाई मैं कहने के लिए साइंटिफिक साइंस है कि जो बॉडी के अंदर जो हिस्से हैं इसमें सबसे ज़्यादा होना जो है वो सर का वो कैसे जब आपका ये सर सर ये पीछे जाएगा तो तुमने भी पीछे गिरना है यही सर जब आपका ये आगे जाएगा तो तुमने आगे गिरना है यही सर अगर आपका ये आएगा तो आपने इस तरफ गिरना है यही सर अब कोई आपको ऐसे कर रहे तो आपने पीछे जाना है समझ आ रही है तो आपने इसको ऐसे पोजीशन में लेकर ना कि ये इसको कहते हैं कि बैक स्विंग एंड स्टेप इसको इनिशियल मूवमेंट कहते हैं लेकिन इससे पहले जी फ्रंट शोल्डर स्लाइटली डाउन देन बैक ये चीज ये एंड हेड स्टिल
चक्कर साथ है आपने बिल्कुल, जैसे आप ऐसे कौन कार चला सकते, ड्राइविंग किसको होती है? अच्छा तब देखो जब नए नए आप ड्राइवर बन रहे थे ना अब लोग यहाँ, तो आपको याद होगा जब आप चला रहे थे तो आपको फिक्र होती थी कि शायद तो आप ऐसे शीशे में देखते थे, ऐसे करते थे ना कलक कलक सड़े शायद हम कुछ रहता पसंद था ना, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें जो आपकी टाइम लगती है ये और आपकी जो स्पीड है उसकी जो मिसिंग है वो सामने दीवार के साथ है। निशाना एहतियात जो ड्राइविंग सिंगल ड्राइविंग गई आज कल ड्राइविंग गई थे ना नगर बड़ा सुम रहा इसी ना से चाहे बोर्ड ले वरी नगर अगर सर न खोजी अगर आई चली पूरे चढ़ी रहा हूँ क्यों लास्ट मेरी गाड़ी नहीं बोली बाजी पक्की सिगरेट अंदाज की लग गई भैया लास्ट गाने में लग गई जैसे कि वो किटी लग गई फ्री था यार तो पसी कर रहा हूँ नहीं मजा आ रहा है जो आ रहे हैं लगा अंदर लोधरी कर भाई वो मकमाने के सिर्फ तुर्क मंदा पूरी इससे के सुगुरी और तो गाड़ी हटाई बाजी आधा सुगुरी बाजी वो अनाड़ी से लेने सिंगे अब शिप सर दर्शन यो लास उड़ सिनाने पूरी वाले मकाम गाड़ी पे आवाज टाइमिंग खबर है तो हमेशा हमेशा आपने ये देखना है बॉल की तरफ ये इसमें आप सर नहीं झुकाएंगे ये आया ये इसको कहते हैं कि हेड टिल्ट बैटिंग में आपने सर नहीं हिलाना बैटिंग में आपने ये करना है देखो आप ये स्टॉप कर रहे हो बैक फुट स्टॉप कर रहे हो सिंगल कर रहे हो मेरा सर देखो हिल रहा है देखो चक्कर लग रहा है हिल रहा है कट लग रहा है हिल रहा है नहीं रैक लग रही हिल रहा है सर जी रे मतलब बाजार का नहीं आता किसी का ना बेड पर खिलाड़ी इतना सर शादा लड़की तो ये सर शादा लड़ो तो देन शादा लड़ो कमाल टोल का सर सेकंड है उधर बैटिंग चांस देश दस सो बेसिक ग्रिप देश दस या अगेन अपन से ये और शेर आजी इनिशियल मूवमेंट कल जिला बालर राजी वगैरह अधीन पोजीशन की रश या कदे इनमें से बल के दर्द टेक ऑफ रश जितने की बैट्समैन जिधे तैयारी की बैक स्विंग एंड स्टेप भाई बैक स्विंग एंड स्टेप स्टेप से शेयर करते करते ना कहीं हो गए सिंगल बैट जी शायद ऐसी उधर मशीनी स्पिन से बोल ये अब इसके बाद क्या करेगा फ्रंट फुट का बॉल है या बैक अब फुटवर्क क्या चीज़ है कितनी किस्म के फुटवर्क है हमारे क्रिकेट में दो किस्म के फुटवर्क हैं कि आपने डिसाइड करना है टाइम ये अब देखो जिस बंदे का फुटवर्क बेहतर होता है ना इसका मतलब है कि उसकी जजमेंट अच्छी और जजमेंट तब अच्छी हो सकती है कि जब आप वहाँ से बॉल पे नज़र रखें बॉलर के हाथ पे नज़र रखें जब वो रिलीज करता है उसके बाद तुम्हारी मूवमेंट शुरू होगी अक्सर मूवमेंट्स बनाने के लिए वो क्या करते हैं अब उसके हाथ में बॉल है और ये ऐसे पैर निकालते हैं वो समझदार बॉलर होते हैं वो पीछे बॉल फेंकते हैं ये क्या करते हैं जब आप पहले से जा चुके हो तो उसने शॉर्ट पिच कर रही है वो आपका इधर लगेगा तो जितना तुम टाइम पे एक मूवमेंट करते हो फुटवर्क के हिसाब से उतनी आपको आसानी होगी उतनी ही आपको आसानी होगी तो दो किस्म के फुटवर्क है एक फ्रंट फुट और एक बैक फुट फ्रंट फुट आप देखो फ्रंट फुट के लिए ज़रूरी ये है जब भी आप फ्रंट फुट की बॉल को खेलते हो इस बॉल को आपने ये जो फ्रंट लेग है इसके अंदर यहाँ पे अक्सर देर से बड़ा तो बड़ा रफ्तार पूछे क्योंकि ये जान तक होगा बॉल फुट थे वापस रखा किसी जो फ्रंट फुट में लड़ो वो दे दारा ये बॉल को लेंगे लड़ो उस वजह से भी ये पसंद रखा हो उस बेहतर से मेरे बंदर दारा सीधे धा कर इस बॉल को अगले पैर के अंदर रखो क्योंकि ये पैर जो है ये अंदर यहाँ से चलता है यहाँ से ये
इसको ऐसे रखो, इसको ऐसे मत रखो, जवाब का ये होगा तो आप करके दे, जवाब लगे फिर बॉल की लाइन से इस तरफ जा रही है तो आप, और आप वहाँ गिर रहे हो तो आप यहाँ गिर रहे हो, और अगर आप वही फ्रंट का बॉल है लेकिन बॉल आप कम से बाहर है और आपका पैर ये आ रहा है बॉल आपसे बेहतर अंदाज ये है कि आप फ्रंट के बॉल को जो आपका फ्रंट लेग है उसके अंदर यहाँ सीधे नहीं कराओ, ये और सर सीधा, अब ये मिस हो गया तो पैर पे आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, हालांकि नहीं आएगा, और यही बॉल अगर फर्ज करो वहाँ पिच हो रही है वीडियो प्लेसर है या स्पिनर है तो आप फर्ज करो प्लेसर है और इसी को तुम फ्रंट फुट पे जाते हो तो बॉल कहाँ है ऊपर आएगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको थोड़ा और फासला बढ़ाना है, वन बैक एंड क्रॉस टू एंड स्कोर आ सकता, अगर आपको मन जरूरी है कि इसको आप फुल भी खेल सकते हो, इसको आप सीधा भी खेल सकते हो, इसको आप वहाँ भी खेल सकते हो, अगर आप हम से बाहर हैं तो आप इसको कट शॉट भी खेल सकते हो, अगर ये बैठ पंच भी कर सकते हो, तो पीछे बॉल को आपने वेट करके बैक लेग का इस्तेमाल करना है, और हमेशा याद रखो जब भी आप फ्रंट फुट या बैक फुट का इस्तेमाल करते हो तो बॉडी वेट शुड बी ट्रांसपेरेंट, सेम जो आपका रिलेटेड लेग है जो आपका सब्जेक्ट है, फर्क करो आप फ्रंट फुट का इस्तेमाल करते हो, तो देखो ये वन टू, अब देखो वेट ट्रांसफर ऑन फ्रंट फुट, हाँ जब मैं ये उठा सकता हूँ ना तो वेट इस पर ट्रांसफर है, वेट क्या चीज़ है, वजन, और नी को आप लॉक कर दो नीचे वाले तो ये कर दो ऊपर वाले ऊपर नीचे भी कर सकते हो, और अगर आप बैक फुट का इस्तेमाल करते हो ये वेट ट्रांसफर ऑन बैक लेग, हमेशा याद रखो आप फ्रंट फुट पे खेल रहे हो या बैक फुट पे, वो बॉल जब जिस वक्त आप खेलते हो तो बॉल आपके सर के नीचे होगा, फॉर एग्जांपल ये देखो ये बॉल देखो ये देखो वन टू थ्री, तो ये सर के नीचे है बिल्कुल सही है, अब फर्क करो इसको ये बैक फुट पे खेल रहा हूँ, वन टू ये किधर है सर के नीचे, अक्सर हम देखते हैं वो लोग क्या करते हैं, अब वो बाल उधर है ये ऐसे करते हैं है? सर इसका ये जा रहा है बाल उधर छोड़ रहा है, हाँ सही है, ठीक है बेटा एनी क्वेश्चन बोलो, देखो ये थोड़ी सी बोरियत वाला सेशन था लेकिन हमने ऑटोमेटिकली आपको कुछ चीज़ें ट्रांसफर की, एजुकेशन आपको कराई कि भाई बैटिंग है क्या चीज़, बेसिक ग्रिप क्या चीज़ है, बैटिंग स्टांस क्या है, इनिशियल मूवमेंट किसको पता है कितने तरीक़ों से होता है, थ्री काइंड ऑफ इनिशियल मूवमेंट है क्या चीज़, इनिशियल मूवमेंट है क्या चीज़, देखो वेरी सिंपल, आप अपने घर में दो साल तीन साल के बच्चे के हाथ में बैठ दो या सिट दो और उसको आप ऐसे फॉर एग्जांपल आप बैटिंग कर लो, ये छोटा बच्चा मेरा समझा के बस अब ये जो इसने हरकत की इसमें इनिशियल मूवमेंट है, सब इसको हम बैटिंग टेक्निक में लेकर आते हैं, बैटिंग टेक्निक में लाते हैं कि ताकि आपको बेहतरीन लेवल की क्रिकेट फ्यूचर में मिले, एक किस्म का जो है वो ये है कि आप ये जो गार्ड लेते हैं लेग स्टंप का प्लीज ये इस तरह एक ऐसा करते हैं जी, ये सिर्फ ये करते हैं बैक स्विंग एंड ये अगला पैर थोड़ा सा ये खोलते हैं जी, ये एक ये है जी और एक ये है जी बैक लेग का इस्तेमाल, वो मिडल पे लेकर आते हैं, इसके बाद उन्होंने मूवमेंट करनी है ऑफ स्टंप पे जाना है स्ट्रेट जाना है जी या लेग स्टंप पे जाना है, लेकिन इसके साथ ज़रूरी है कि आपका ये जो बैट है हाई बैक स्विंग हो एंड स्टेप, हाई बैक स्विंग एंड स्टेप ये, और रहा बैट
हमेशा बैट को अपने जिस्म के करीब रखो, क्लोज टू द बॉडी। जब आपके ये हाथ आपके करीब होते ना तो आप किसी के साथ आप देखो मुखो सब कुछ कर रहे हो, बात ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर दें ठाक उसको लेकर तुम्हारी अपनी सेफ्टी नहीं। जब तुम्हारे हाथ आपके करीब हो ना तो आप बड़ी जल्दी से और सेफ्टी इस्तेमाल कर सकते हो, उसको मुँह पर दिया वापस आ जाए। कभी कभी आप लोग मजाक भी करते हो, दस के वापस ले पा रहे भले दस के देना पड़ा है, वो कहता है लसून दस की दस बजे ऐसे, ये ऐसे नहीं करते, ये क्लोज कर दो। जितने ये बैट ये दोनों हाथ आपके करीब हो ना, ये इसका इस्तेमाल ठीक होगा। देखो लेफ्ट नहीं कराया तुमने, लेफ्ट कराया जी, ये सीधा खेले जी, ये बैकवर्ड पे खेले जी, ये बीट हुआ इधर से कर दिया। अगर आपने ऐसे इधर बैट रखे जी और ठीक ठाक वाला फोन रवानी हो वही में असली दर्शक हाल तो लगे उसने पूरे वो कहता था ना लगने अगर मुझे पता कि अगर अगर शर्ट अगर फोन पकड़ी सकते सीधा वही हो। तो तीन किस्म का है जी इनिशियल मूवमेंट, अगले पैर का इस्तेमाल ये स्टेप एंड हाई ब्रेक स्विंग, ये बैक लेग का इस्तेमाल हाई ब्रेक स्विंग के साथ, और कुछ लोग जो है वो दोनों पैरों का इस्तेमाल करते हैं जी। बैक एंड लेग फ्रंट, कुछ लोग ऐसे हैं जो चौथा भी कर रहे हैं फ्रंट एंड बैक, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप लोग इसको क्या कहते हैं अक्सर तस्वीर शफल, शफल अलग चीज़ है। शफल वो चीज़ होती है जब आप पूरा लाइन छोड़ के अपनी जगह इधर आते हो, उसके बारे में छोड़ दो ज़्यादा सीखो सही है। अच्छा आपके पास है कि 5-7 मिनट और इनको आप कूल डाउन कराओ, आराम से कर जाओ इंशाल्लाह फिर के दिन फिर आप क्वेश्चन लेकर आओ। आपके साथ जो हमने काम किया इस बारे में क्वेश्चन लेकर आओ, हमसे पूछो, हम कोशिश करेंगे आपको जवाब दें। हमारे पास जवाब ना हो तो हम अपने सीनियर से पूछ लेंगे, वीडियो देख लेंगे, किताब पढ़ लेंगे, आपको जवाब ज़रूर देंगे इंशाल्लाह, लेकिन अपने लिए आसानी पैदा करो ठीक है ना। ये ऐसा नहीं होता कि बस हाँ बोर इसलिए है कि मतलब ये आज बैठे करना चाहते थे हमने उनको, लेकिन ये याद रखो इसी वजह से बोरे सारे महीना दो हो गए हैं जी कि आप लोग सिर्फ बैटिंग कर रहे थे। हेलो आज आप लोगों को हकीकत बता दी, आप भी इधर हकीकत बता दी आप ठीक बैठ जाए। अच्छा कूल डाउन आपको कौन करेगा, कूल डाउन करके आप चले जाओ। अच्छा देखो ये जो तीन स्टंप्स लगे हैं, ये जो तीन स्टंप लगे होते हैं ना, ये जो तीन स्टंप्स है ये अब ये लाइन है सामने से, अक्सर कहते हैं ना कि बॉलर जो है वो बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉल कर रहे हैं। लाइन क्या चीज़ है और लेंथ क्या चीज़ है, लाइन जो है ये जो आपकी तीन विकेटें लगी हैं इसको ऑफ स्टंप कहते हैं, या इससे बाहर तो उसको कहते हैं जी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, और ये मिडल स्टंप, ये लेग स्टंप या आउटसाइड दी लेग स्टंप, लेकिन ये तीन लाइन होते हैं, बॉलर ने इन तीन लाइनों में बॉल करने हैं। अब वो कितना परफेक्ट कर रहे हैं वो उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अब लेंथ क्या चीज़ है, लेंथ जो विकेट टू विकेट फासला इसको लेंथ कहते हैं। अमूमन जो आप हमारी जो नॉर्मल क्रिकेट है उसमें है, या जो किस्म की आसान क्रिकेट है उसमें तीन किस्म के जो लेंथ आप इस्तेमाल करते हैं, एक है फुल लेंथ जिसे अंग्रेजी में स्लॉट कहते हैं, ये यॉर्कर मार्कर ये सब इसमें आता है, फुल टॉस भी इसमें आता है, लेकिन ये है फुल लेंथ बॉल। एक है जो दूसरा है वो हम उधर से शुरू करते हैं शॉर्ट ऑफ लेंथ, जो बैट्समैन बैक फुट पे खेलता है, फुल लेंथ का बॉल है वो बैट्समैन फ्रंट फुट पे खेलता है, और जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल है बैट्समैन उसको बैक फुट पे खेलता है। लेकिन जो तीसरा लेंथ है जिसे हम गुड लेंथ कहते हैं, क्या चीज़ गुड, इसीलिए इसको कहते हैं गुड, गुड अच्छाई या बुराई इस्तेमाल होती है इसमें, अच्छाई है ना, अच्छे लोगों की तारीफ क्या कहते हैं गुड पीपल। तो गुड लेंथ का मतलब ये है कि यहाँ पे बैट्समैन सोचता है कि इसको मैं फ्रंट फुट पे जाके खेलूँ या बैक फुट पे अगर खेलूँ, तो यहीं पे अगर उसका थोड़ा सा ये कमज़ोर है तो वहीं से वो आउट हो जाता है, इसलिए कहते हैं गुड लेंथ। तो ये तीन लाइन है, तीन विकेटें लगी हैं, अगर आप बिल्कुल लेग स्टंप पे खड़े हैं लेग स्टंप पे, और ये जितने बॉल आपके बॉडी से आगे आते हैं चाहे वो मिडल स्टंप पे है ऑफ स्टंप पे है ऑफ स्टंप से बाहर है, तो इसको आप हमेशा इस साइड पे आसानी से खेल सकते हैं। ये कौन सा साइड है ऑफ साइड, इसको देखो आप ये खेल सकते हो,
ये खेल सकते हो, बाहर है तो उसको आप ये खेल सकते हो, और बाहर है तो आप इसको, लेकिन आप इसको आप साइड पर ज़्यादा अच्छा खेल सकते हो। आप मिडिल स्टंप पे आ गए, आप कम से बाहर वाले को तो आप ऑफ साइड पर खेल सकते हो, लेकिन जो ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप का बॉल है उसको आप सीधा खेल सकते हो, और जो प्रॉपर लेग स्टंप का बॉल होगा उसको आप ऑन खेल सकते हो, क्योंकि अक्सर जो है वो फील्डर ज़्यादा इस तरफ खड़े होते हैं, बॉलर जो है वो स्पिनर है कि मिडिल फील्डर जो भी है वो ज़्यादातर फील्डर ऑफ साइड पर इसलिए होते हैं और वो आपको आप कम से बाहर बाहर खिलाते हैं, तो बैट्समैन फिर उसके लिए क्या सोचता है कि वो एक स्टंप छोड़ के वो मिडिल स्टंप पे आते हैं, तो फिर वो क्या कोशिश करते हैं कि जो आप कम कबाल है उसको आप वो सीधा खेलने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हॉस्पिटल कम है, फिर उसके लिए थोड़ा और बैक लेग का इस्तेमाल करते हैं, आप कम पे आते हैं और वही आप कम मिडिल स्टंप पे, और जितना आप ज़्यादा ऑफ स्टंप पे जाते हो तो जो भी फुटों का बॉल होगा वो लेग स्टंप पे खेलना आसान होगा अगर आप खेल सकते हैं, और जो ऑफ स्टंप का बॉल होगा वो भी आप सीधा खेल सकते हैं, बस अभी समय बोरियत दूर कर लो, नमाज पढ़ लो, उसके बाद कुछ आप करो और घर जो ¿Quién no se lo quiera? ¿Quién no se lo quiera? ¿Quién no se lo quiera? ¿Quién no se lo quiera?